फिर पता नहीं क्या हमको समझाया जाएगा। अब इसरो के जो हेड हैं वो फरमा रहे हैं, आई थिंक शी इज अ लेडी, कि ये सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज पुरानों में हैं और वेस्ट वाले बिला वजह क्रेडिट लेते हैं इन सब चीजों का, इनको यूरोपियन इन्वेंशन मानकर। अब इस एटीट्यूड के मतलब इसके साथ क्या बहस की जाए, क्या कॉन्वर्सेशन रखा जा सकता है ऐसे शख्स के साथ। तो आप लोगों ने सुना कि कैसे जब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के सर्वोच्च अधिकारी ने यह कहा कि सारा विज्ञान पहले से ही हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में है, वेद पुराणों में है, इस पर खलीफा नसीरुद्दीन शाह ने यह कहा कि यह झूठ है, यह अंधविश्वास है, हिंदी अर्थात हिंदू धर्म शास्त्रों में सब कपोल कल्पित दंत कथाएं और अंधविश्वासी बातें हैं। तो ये वीडियो उसी के जवाब में है। अभी देखिए, हिंदू धर्म शास्त्र जो है, ये तो कुछ धर्म शास्त्र हैं जो मेरे पास व्यक्तिगत रूप पर है, वेद हैं और कम से कम 10 अलग पुराण हैं। ये सारा हिंदू धर्मशास्त्र का ग्रंथालय नहीं है, ये सिर्फ कुछ पुस्तकें हैं। एक एक पुस्तक आप खुद देखिए, पूर्णतः संस्कृत से और हिंदी या अंग्रेजी में है और कितने मोटे मोटे हैं, कम से कम 250 पेजेस पन्नों से ज्यादा है। तो इतने सिर्फ इतने ही धर्म ग्रंथों को पढ़कर इनमें से विज्ञान ढूंढकर अगर मैं दूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और शायद नसीरुद्दीन शाह का ऊपर जाने का टाइम आ जाएगा अगर मैं इन सारे धर्म शास्त्रों में से एक एक करके विज्ञान या वैज्ञानिक प्रमाण देता रहूं। तो इसीलिए मैं वेदों को नहीं, क्योंकि वेद जो हैं वो नसीरुद्दीन शाह के पल्ले नहीं पड़ेंगे क्योंकि वो वैदिक संस्कृतज्ञ नहीं हैं, मैं उनको पुराणों के आधार पर, पुराणों में क्या विज्ञान है, कुछ एक प्रमुख विज्ञान मैं इस वीडियो में बताऊंगा। पुराण इसलिए क्योंकि ये बहुत सरल हैं और इनके कई ऐतिहासिक घटनाओं से नसीरुद्दीन शाह भी अवगत होंगे क्योंकि वो एक अभिनेता हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है जिसमें उन्होंने किसी पौराणिक किरदार को निभाया है, तो इसलिए वो इनसे वो अपने आप को रिलेट कर सकेंगे। इसीलिए मैं सिर्फ इन 10 पुराणों में से ही कुछ एक वैज्ञानिक प्रमाण दूंगा इस वीडियो में और आशा करता हूं कि इससे नसीरुद्दीन शाह को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वो मानने लगेंगे कि हाँ, वेद पुराणों में भी उच्च स्तरीय विज्ञान है, सिर्फ पश्चिमी देशों में या बाइबल या तालमूद या कुरान में ही नहीं, इनसे भी पहले यूनानी, चीनी, रोमन सिविलाइजेशन से भी पहले भारत में पुराणिक सभ्यता में ही कई सारे वैज्ञानिक खोज किए गए थे। तो सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे श्री महाभारत शांति पर्व मोक्ष धर्म पर्व का 183वां अध्याय का 15वां श्लोक, अग्नि ही पवन संयुक्त खंग समाक्षिप्ते जलम सोग्नि मारुत संयोगाद घनत्व मुपद्यते, वायु का संयोग पाकर अग्नि जल को आकाश में उछालने लगी, फिर वही जल अग्नि और वायु के संयोग से घनीभूत हो गया। अर्थात महाभारत शांति पर्व मोक्ष धर्म पर्व
183.15 में हमको एवापोरेशन प्रोसेस का ज्ञान मिलता है, और भी हम आगे पढ़ेंगे। अब हम आगे पढ़ते हैं ऋग्वेद 5.54.2। जी हाँ, मैंने कहा था कि मैं ऋग्वेद वेदों से प्रमाण नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी ख्वाजा नसीरुद्दीन शाह का सीनियोरिटी को, ज्येष्ठता को देखते हुए वेद का एक आध में मंत्र फिर भी दे ही दूंगा। तो ऋग्वेद 5.42.44.2 क्या कहता है? प्र वो मरुतस्त विषा उदन्यो वयो वृद्धो अश्वयुजः परिज्रयः संग विद्युता दधति वाशची चित्रतः स्वरंतयापो वना घरिज्रयः। हे मरुतो, तुम्हारे बलशाली गण संसार के निमित्त जल प्रदान करने वाले, अन्न वृद्धि करने वाले तथा अश्वों को रथ में योजित कर चारों ओर गमन करने वाले हैं। हे मरुतो, जब तुम विद्युत के संग मिलते हो तो तीनों लोकों को प्रकाशित कर गर्जना करते हुए पृथ्वी पर सब ओर जलवृष्टि करते हो। यानी यहां पर बारिश के आने, वर्षा के आने का संकेत के बारे में कहा गया है कि कैसे बादल आते हैं, बादल गरजते हैं, बादल कड़कते हैं, बिजली कड़कती है, फिर बारिश होता है। अब आगे और पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऋग्वेद 1.164.51। समान मेतद्रुक मूर्चयत्व चाह भी भूमि पर्जन्या जिनवंती दिवं जिनवंतयसज्ञनयः। तप्त होकर वाष्प रूप से ऊपर जाने वाला जल ही वृष्टि रूप में नीचे आता है। जिस प्रकार जल वृष्टि से भूमि शीत होती है, उसी प्रकार अग्नियों से प्रकाश शांत होता है। अर्थात यहाँ पर वापस से एवापोरेशन का जिक्र किया गया है कि कैसे मेघ बनते हैं, बारिश बनता है वाष्प रूप से। और ये भी बोला गया है कि जो पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे का जो जल है, जल समुदायों का जो जल है, वही आकाश में जाता है, बादल बनते हैं, वृष्टि रूप से नीचे आते हैं। यानी पानी अपने आप को रिसाइकल करता है बारिश के रूप में। तो ये तीन चीज़, यानी एवापोरेशन भी हमने देख लिया, और वाटर रिसाइकलिंग, सेल्फ रिसाइकलिंग भी देख लिया, और बारिश के आगमन का भी संकेत का ज्ञान हम लोगों ने महाभारत और ऋग्वेद में देख लिया।